आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी सनातन यात्रा में गौरव, दिव्यता और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के जमीन पर किए जा रहे अथक प्रयासों की बदौलत जन कल्याण के प्रति उनकी सतत साधना से जम्मू कश्मीर में नई चेतना भी जागृत हुई है। बाबा अमरनाथ, माता वैष्णो देवी, माँ शारदा, सुखोरी में भगवान शंकर तथा भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर से जम्मू संभाग में एक धार्मिक पर्यटन रिलीजियस टूरिज्म का भव्य सर्किट निर्मित हो रहा है और जो अनूठा भी है, अप्रतिम भी है और अद्भुत भी है। कश्मीर संभाग में भी हजरत बल सूफी संतों फकीरों की एरिया से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जम्मू कश्मीर को देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होने का अवसर भी मिलेगा। अमृत कालखंड में विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परंपरा और प्रगति के बेजोड़ मेल से जम्मू कश्मीर को ऊर्जा प्रदान की है कि काम करने की हमारी रफ्तार, प्रोजेक्ट पूरा करने की हमारी गति 10 गुना बढ़ गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी समय समय पर हम सबको अपना सहयोग मार्गदर्शन देते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का आध्यात्मिक पहलू भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं मानता हूं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है उतना ही चैतन्य का भी विकास हुआ है। जिस प्रकार तीसरी शताब्दी में निर्मित तिरुपति बालाजी के मंदिर से वैश्विक मानव चेतना को नई दिशा मिली, उसी तरह मंदिरों के शहर जम्मू तथा अध्यात्म की तपोभूमि जम्मू कश्मीर को विकास के महायज्ञ में मार्गदर्शन मिलता रहेगा।